सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा उरई पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों की अपेक्षा इस बार गेहूं की सबसे ज्यादा खरीद हुई है। पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी ने कहा कि अभी तक किसी भी सरकार ने 7 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूँ नहीं खरीदा है, लेकिन योगी सरकार में प्रदेश में 105% यानी 52 लाख मीट्रिक टन गेहूँ से खरीद हो चुकी है, जबकि प्रदेश में केवल 39 लाख मीट्रिक टन गेहूं रखने की जगह है। लेकिन सरकार बराबर किसानों का ध्यान रख रही है और गेहूं खरीद रही है। वही जालौन में दलहन के 2 केंद्र खोले जाने के सवाल पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि जनपद में इसके लिए प्रस्ताव हो गया है और जल्द ही केंद्र खोले जाएंगे। मित्र, इसको थोड़ा धैर्य से सुनना पड़ेगा। आज तक किसी भी सरकार ने 7 लाख मेट्रिक टन से ऊपर नहीं खरीदा और हमने इस समय 52-53 लाख मेट्रिक टन खरीद लिया है। 105% हो गया है। रखने की जगह उत्तर प्रदेश में केवल 39 लाख मेट्रिक टन है। अभी सड़कों पर गेहूं लगा है, केंद्रों पर लगा है। हमारे खरीद लेने मात्र से थोड़ा होगा, उसको रखने की जगह चाहिए और तुरंत 1 वर्ष में रखने की जगह नहीं बन सकती। तो भी न खरीदना बंद किया है न उसको बंद किया है। हाँ, ये जरूर है कि धीरे धीरे हमारा काम हो रहा है, थोड़ा स्पीड स्लो हो गया क्योंकि जब तक वहाँ से उठेगा नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन जो परिवार आंदोलन हो रहा था, उसे किसान आंदोलन बनने का प्रयास किया है और सभी को शपथ दिलाई है। लगातार सभी के लिए प्रयास किया जा रहा है जिससे किसी को कोई समस्या ना हो। पत्रकारों से बात करने से पहले सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के सभापति उदय भान सिंह परिहार को सभापति की शपथ दिलाई। इसके बाद संचालकों को भी शपथ दिलाई गई है। वास्तव में सहकारिता आंदोलन जो परिवार आंदोलन हो रहा था, उसको हम सब लोगों ने प्रयास करके किसान हितकारी आंदोलन बनाने का प्रयास किया है और उसी प्रयास की भूमिका की कड़ी है कि यहाँ जिन लोगों ने सहकारिता आंदोलन के हिस्सेदार बने हैं, यहाँ प्रतिनिधि बने हैं, चाहे वो डायरेक्टर बने हैं, चाहे वो साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष बने हैं, चाहे क्रय विक्रय के बने हैं, चाहे सबको शपथ दिलाकर और ये जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं कि ये साधारण काम नहीं है सहकारिता, इसके कारण ही सीधे किसान का भला हो सकता है। न्यूज़ बीके के लिए जालौन से दुर्गेश कुशवाहा की रिपोर्ट।